हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये भी मामूली का ही ब्लॉग है, सो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब आ चुके हैं वापस शहर से, तो सबके पैर धो रहे हैं। ये मेरी भाभी है छोटी वाली, जो भैया पूजा करते हैं वही वाले, तो वही सबके पैर धो रहे हैं। इसके बाद घर के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग पर और लास्ट तक देखिए, और कैसे लगा आप लोग को वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए हम लोग का रिचुअल्स। तो चलिए देखते रहे। तो यहाँ पर पूजा तो हो गई ख़त्म, तो अभी खाने पीने की बारी है। जितने सारे रिलेटिव हैं सब आज रहेंगे घर में, तो अभी रात के खाने की बारी है, तो हम वही जगह बना रहे हैं खाना देने के लिए। तो वो लोग यहीं पर, हम लोग पेंडल नहीं बनाए इसके लिए, तो यहीं पर घर के आंगन में ही खाएंगे, तो इसलिए हम जगह बना रहे हैं। वो मेरी बहन झाड़ू कर रही है अभी, तो और मेरे सास ससुर आए हुए हैं, तो वो लोग भी वापस घर जाने वाले हैं, तो वो लोग को जल्दी से खाना खिला के मतलब वो लोग जाएंगे, तो वही सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए देखिए आप लोग, और क्या बोल सकती हूँ वही। और मैं फ़ोन को एक जगह रख दी थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसको लेके इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि काम भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है और भाभी सब भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ मैं भी। इतने सारे लोग हैं तो फिर भी कम पड़ जाते हैं जितने भी सारे लोग होंगे। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए ऐसे ही। और ये है मेरी मम्मी, आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं देखा तो, वो हर टाइम वो काम करती रहती है। तो यहाँ पर वो मुझे बुला रही थी, पता नहीं मैं कहाँ चली गई। और ये एक मेहमान है, वही उसका साथ दे रही है, वो बैठने के लिए कपड़े बिछा रहे हैं। और यहाँ पर बाबू उसके नानी के पीछे पीछे इधर उधर हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरा छोटा भाई भी आ गया है, तो वो भी देख रहे हैं कहाँ तक पहुँचा कार्यक्रम। तो वही, और बाबू को कुछ ज़्यादा ही भूख लगा था शायद, तो वो पहले ही बैठ गए थे वहाँ पर। और मेरे मौसा लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो वो लोग बाबू को थोड़ा कुछ बोलते हैं, ऐसे छेड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं बाबू को बोल रही हूँ कि आप बीच में मत बैठना, साइड में इधर बैठना, यहाँ इनके मतलब बाबू के दादा दादी बैठने वाले हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि यहाँ बैठ जाओ साइड में। तो ये आ गई बाबू की दादी, तो वो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं उसको बैठे की दी हूँ बैठने के लिए। और ये उनके दादाजी है बाबू के, तो वो लोग घर वापस जाने वाले हैं जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी खाना खिला के भेजना है, इसीलिए फास्ट में उन लोग को ही दिए हैं।
खाना। अब पास ही में है तो बाइक से पहुंचा देंगे ये, बस इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा के फिर जाएंगे। और ये आ गई मेरी बड़ी मौसी, तो ये घर के अंदर चली गई और यहाँ पर मेरी बहन दे रही है और मैं भी सब्जी लेके आ गई और मैं भी देने वाली हूँ। अभी और धीरे धीरे बाकी मेहमान भी आने लगे हैं, तो वो लोग भी बैठेंगे फिर खाएंगे। और बाबू यहाँ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है ये ठीक नहीं, मुझे बुला रहा है बार बार। तो और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ गए हैं लेकिन अभी तो खाना नहीं आया है, तो वही चल रहा होगा कि कौन दे रहा है, कौन मतलब लोग जुट रहे होंगे देने वाले। तो मैं आ गई हूँ बाबू के लिए दाल लेके, क्योंकि वो ये नहीं खाता, मिर्ची नहीं खाता, तो दाल में मिर्ची नहीं लगाता, तो इसीलिए मैं दाल लेके आई। तो यहाँ पर खाना देना स्टार्ट हो गया है और हम सब मिल के जल्दी जल्दी सबको खाना दे रहे हैं। लगा पता है
इन चौगे इन पे और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और मेरे खाना भी हो चुकी है, मैं खा ली हूँ बाबू के साथ ही, क्योंकि बाबू ने मतलब थोड़ा बहुत ही खाया फिर बाकी सारा छोड़ दिए, तो उसी में मैं भी खा ली। और अभी खा रहे हैं मेरे मौसियाँ और मेरे मामी, वो सब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे एक साइड में, सब बहनें एक साथ। उधर साइड में मेरी बड़ी माँ है और बाकी सारे ये मौसियाँ हैं और लास्ट में मेरी मामी है और ये भी मेरे छोटा भाई है, मेरे मौसी का लड़का, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी है, वो तो उसका काम ख़त्म ही नहीं होता, वो हर टाइम काम करती रहती है। बेबी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे तीन भाभियाँ हैं, वो लोग बैठे हैं साथ में खा रहे हैं। और अभी सारा मतलब सबका खाना हो चुका है, सारे मेहमानों का, बाकी घर वाले जो भी है तो वो लोग का अभी खा रहे हैं वो लोग। तो इधर साइड में लेफ्ट साइड में मेरे छोटा भाई है और भैया लोग है, बड़ा भैया लोग को, और इधर भाभियाँ हैं। और यहाँ पर साइड में थोड़ा सा जगह है जो बीच में, साइड में नहीं बीच में, तो वहाँ पर मेरे मम्मी और मेरी बहन का जगह है। वो लोग अपना खाना भी मतलब परोस चुके हैं, बस बैठे नहीं हैं। तो वही मैं भाभी लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग कंपटीशन करो, कौन जीत रहा है, कौन पहले ख़त्म कर रहा है। और इधर साइड में मेरे नाना जी है जो कुछ बोल रहे हैं और हंस रहे, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे सभी। और वो नीचे नहीं बैठते ज़्यादा खाना खाने के लिए, तो यहीं ऊपर खाए हैं और हाथ सब धो के बैठे फिर वहीं पे। तो अभी हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वही सब चल रहा है। चले डोली अड़ी जो रही है कना फेमस कना वो हवाई हां ओड़ा अरे नहीं अड़ी मरंग फेमस कना है हां फेमस से वाला कना वाला जम में दूर में बाकी नहीं लेना हां गप्पा गोनम से चली को से दी आयरन कुड़िया सीधी अद तेज थोड़ी हज के रुआ दड़ का गप्पा के कोई तो कोड़ा हजू के सना के सना पाले जो को हजू और बांग हजू सना के हजू दिन आपे खातिर ते लगे कित को हाँ को हजू जो को हजू इन चलो बचा मांग अबिन के चला दिन